नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सैफ न्यूज लाइव। आइए देखते हैं आज की खास खबर। इस वीडियो को गौर से देखिए। इस वीडियो में एक परिवार दिखाई दे रहा है जो हर आने जाने वालों को रोककर उनको कुछ समझा रहा है। यह वीडियो है वीरार के दिनेश वाघेला परिवार का। दिनेश वाघेला आज संविधान दिन के उपलक्ष्य में आज सुबह से अपनी पत्नी व बेटे के साथ वीरार की गलियों में, रेलवे स्टेशन पर और तो और ट्रेन में जाकर लोगों को एक पैम्पलेट दे रहे हैं, जिस पैम्पलेट में हमारे देश के संविधान में दिए हुए मौलिक अधिकारों का जिक्र किया गया है। दिनेश वाघेला लोगों को पैम्पलेट देने के साथ ही मुँह से बोलकर संविधान के बारे में कुछ जानकारी देते हुए संविधान के प्रति जागरूक कर रहे हैं। आज संविधान दिवस के अवसर पर देश भर में अलग अलग अनेकों कार्यक्रम संपन्न हुए हैं, लेकिन दिनेश वाघेला और उनके परिवार द्वारा की जा रही कोशिशें बाकी के कार्यक्रमों से बिल्कुल हटकर है। हमारी टीम ने दिनेश वाघेला से फ़ोन पर संपर्क साधते हुए उनके मिशन के बारे में जानकारी ली। तब दिनेश वाघेला ने क्या कुछ कहा, यह सुनिए आप आगे वीडियो में। ब्यूरो रिपोर्ट, सेफ न्यूज लाइव। दिनेश वाघेला बोल रहा, बोलेगा जी। वाघेला जी, आपका एक वीडियो आज वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पे। आप रेलवे स्टेशन में और गली गली में आपकी पत्नी के साथ आप घूम रहे हैं और लोगों को बेटा भी था। 19 साल का बेटा है। तो लोगों को आप जो है संविधान दिवस के बारे में जागरूक कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं, शुभकामनाएं दे रहे हैं। अच्छा अच्छा, तो क्या है इसका पूरा जानकारी दीजिए। क्या आपने, आपको यह सोच कहाँ से आई और इस जो पैम्पलेट आप जो बांट रहे उसमें क्या है, बताइए। ओके ओके सर जी, देखो क्या है कि ये देश जो है ना हमारा, ये देश है ना, ये एक संविधान से चल रहा है जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दिए थे। उसके पहले हर धर्म देश के में कोई मनमानी था, हुकुमशाही था, जो भी ओके। तो अभी संविधान से देश चल रहा है और संविधान होने के बाद लोगों को बहुत सारी शिक्षाएं प्रदान हुई ओके। शिक्षा होने के बाद लोगों को नौकरियां मिली और जो जो फायदे लोगों ने लिए हैं और अभी भी ले रहे हैं ओके, तो ये संविधान की सब देन है सर। आज हर आदमी अपने तरीके से महसूस और एक फ्री फील कर रहा है ओके। हर आदमी को कोई वायलेंट नहीं करता है, फिर वो राजा हो, गरीब हो या ऊंचा हो, पढ़ा लिखा हो, तो क्या हर आदमी को एक एक संविधान ने राइट दिए कि आप अपने लिए अपनी लड़ाई लड़ सकते हो, कानून के पास जा सकते हो हर आदमी ओके, अगर आपसे कोई गलत करता है। तो ये दिन हमें इसलिए सोच आई मुझे कि महापुरुषों ने जो संघर्ष किया है, महापुरुषों के संघर्ष पीछे आज हमारा देश की हालत ये है कि देश कहाँ से कहाँ जा रहा है और परिवर्तन हो ही नहीं रहा। बहुत सारी पार्टी है, बहुत सारी ये है, लेकिन लोगों की परिवर्तन कौन करेंगे, लोग करेंगे, लोगों की सोच करेगी। तो मेरा ख्याल था कि लोगों की सोच पे ये प्रभाव पड़ना चाहिए, हमारी सोच पे अरे मेरी सोच से स्टार्ट होना चाहिए, फिर लोगों की सोच से होना चाहिए। तो आपने जो पर्चा बांट रहे हैं उसका विषय वस्तु क्या, उसमें क्या आपने लिखा है? उसके अंदर आर्टिकल है सर, आर्टिकल है जो बाबा साहब अम्बेडकर ने जो अपने ह्यूमन राइट्स है ओके, जैसे कि नौकरी के 8 घंटे है, पेंशनर मिलते हैं ओके, आपको शिक्षा दी गई है ओके, सर्वधर्म संभावना, सब बराबर ही हमारा स्लोगन है ओके। भारत देश विविध जातियों में प्रांतों में बटा हुआ है, यानी ये संविधान से सब बराबर ये अधिकार हमें दिया गया है। तो ये अधिकार देने के लिए ये चीज मेरे माइंड में आई कि ये दिन, जैसे कि देखो लोग है ना, हर जाति के धर्म में त्यौहार आते हैं, सब आते हैं, लेकिन हमारा हमको इकट्ठे करने के लिए हम एक ही कायदे से चलते हैं, इसलिए हमारा ये त्यौहार, इसको हम फेस्टिवल समझ रहे कि लोग आईपीएल को भी हमारा त्यौहार फेस्टिवल, हमारा आईपीएल हमारा फेस्टिवल कहते हैं। रियल में फेस्टिवल ये है जिससे हम एक साथ सब जुड़े हैं और हमने पहली गाड़ी से स्टार्ट किया कि लोगों को जन उनकी सोच में फर्क लाने के लिए कि भाई ये हमारी हमारा हमें ये चाहिए, हमें इससे चलना है, इसके सिवा हमारा पर्याय नहीं है, इसके सिवा हमारा पर्याय नहीं है। क्योंकि ये वो संविधान है जो वर्ल्ड के सब कॉन्स्टिट्यूशन से अलग है। तो सो गुनेगार छूट जाएगा लेकिन एक निर्दोष नहीं मारा जाना चाहिए, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। और ये इनकी ब्यूटीफुल, ये इनकी एक्सीलेंसी है, ये इनकी सुंदरता है हमारे संविधान की। अच्छा, आपका जो अभियान है कब से शुरू हुआ और कब तक चलने वाला है? ये 26 तारीख से हम चालू कर रहे हैं तो 1 तारीख तक रहेगा। जन जागृति जिसको हम बोलते हैं, जैसे विजिलेंस डे रहते हैं, हिंदी पखवाड़ा रहता है ओके, तो हमने ये, हमें लगता है कि ये
लोगों की सोच पे हमें हमारी सोच से स्टार्ट करनी है। हम भारतीय भारतीय हम फर्स्टली इंडियन लास्टली इंडियन, तो हमारी सोच एक होगी। जैसे बोलते हैं ना भारत की, हम कुछ मुद्दे पे काम कर रहे हैं संविधान पे, तो हमारा हार्ट बीट वन होना चाहिए। ओके, हमारा हार्ट बीट वन होना चाहिए। तो इस तरह हमारी सोच पे हम प्रभाव लाना चाह रहे हैं, पॉजिटिव और फैक्ट पे, सोच पे। और हम जो भी पीपल जो मिस्टेक करते हैं उसके लिए हम उसको क्रिटिसाइज ब्लेम किसको भी नहीं कर रहे। हम क्या अच्छा कर सकते हैं, मैं कितना अच्छा कर सकता हूँ, मेरे पत्नी कितना अच्छा कर सकती है, ये हम समाज के लिए क्या अच्छा कर सकते हैं। और ये हमें सोच हमारी बदलनी है, फिर सबकी सोच पे हमें एक 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 सही तरीके से एक एक बोलते हैं एक अच्छी सी एक अच्छे सा अच्छा सा एक आनंद लाना है और हैप्पी हैप्पी थॉट से हैप्पी कुछ कर सकते हैं देश के लिए। ब्लेमिंग क्रिटिसाइज ये सब नहीं कर सकते। वागला जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो एक अच्छा ये मिशन उठाया उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाइयां। थैंक यू वेरी मच। हाँ, आज के और ये हमारा साथ। ओके ओके, थैंक यू वेरी मच जो आपने हमें इतना, आपका बहुत धन्यवाद है सर कि आपने हमें पहले अप्रिशिएट किया। ओके, भले दिन खत्म होने का है, आपने सुबह पहली गाड़ी से स्टार्ट किया और अभी आपने अप्रिशिएट किया, ये बहुत ही बहुत ही बहुत ही बढ़िया, मेरे जिंदगी का यादगार लम्हा रहेगा यूसुफ जी। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। जो हमारी फैमिली है, बच्चा है, आपका संविधान लागू हुआ और सभी से एक तरह से जन जागरूक है, देश की जो अभी है संविधान लागू और देश सही हो जाएगी। बात की हमारा अधिकार है। चलिए नमस्ते, मॉर्निंग संविधान की हार्दिक शुभेच्छा। यस सर। बाबा साहेब अम्बेडकर साहब ने 1950 में जो संविधान की स्थापना की है, वो संविधान देश के सारे नागरिकों के लिए है और वो संविधान की वजह से आज हम इस ओहदे पे बैठे और आज हम इस ओहदे पे काम कर रहे हैं। संविधान की वजह से आज हमको बोलने का स्वतंत्र मिला है, हर इंसान को बोलने का स्वतंत्र मिला है, देश के हर नागरिक को उस बात में मतलब अपने मत व्यक्त करने का संविधान ने अधिकार दिया है और संविधान ही सब कुछ है, संविधान से बड़ा कोई नहीं है। सब बराबर। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। हमारे चैनल सेफ न्यूज लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786 पर संपर्क करें।